Yay! Sir, like you say, today is your best day. Today, it is definitely my best day because I'm sitting here sharing a stage with you, about to have a mind-blowing conversation with you. I remember interviewing you on Jan 3rd. I started my year with a conversation with Mr. K. So, after the conversation ended, I just called him, very innocently, I just called him and said, "Sir, did you like my work enough to come to Faridabad?" I thought he's going to laugh at me, "Ki beta, kya bol rahe ho aap?" But without any hesitation, he said, "Yes, Ananya, I will definitely come to Faridabad." So thank you so much for doing this for my audience, sir. I'm truly honored. Thank you, Ananya. I'm doing it for myself, not for you. I like meeting people. I enjoy, I'm a people's person. And I mean, मैंने दिल्ली में बहुत सारे साल गुजारे हैं, ड्रामा स्कूल यहीं से किया है और फरीदाबाद अब तो दूर हो गया पर तब नज़दीक था दिल्ली के, ऐसा लगता था. एंड इफ वी डोंट गिव चांस टू बडिंग एक्टर्स और बडिंग परफॉर्मर्स और बडिंग पीपल लाइक यू, हाउ विल दे कम अप? बिकॉज आई रिमेंबर माय ओन डेज, मुझे भी कोई ना कोई ऐसे चांस देता था. और जिन लोगों ने मेरे साथ फ़ोटो मत नहीं खिंचाई आज, बुरा मत मानना, नेक्स्ट टाइम खिंचाएंगे आपके साथ फोटो, बिकॉज काफ़ी लोग पीछे वाले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. एंड आई एम हैप्पी टू बी विद यू. इट्स नथिंग ग्रेट, आई हैव नॉट डन एनीथिंग ग्रेट. आई वांटेड टू चैट विद यू, आई वांटेड टू कॉन्वर्सेशन, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद पीपल. एंड थैंक यू मैम, यू गिव सच ग्रेट इंट्रोडक्शन. मुझे लगता है कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, इतना सारा काम मैंने किया. पर आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैंने शुरुआत की है. सो वॉट एवर क्वेश्चन दैट यू हैव, वाई डोंट यू कीप द फोन अवे वेर यू रिटन द क्वेश्चन एंड जस्ट चैट विद मी, है ना? बिकॉज अभी ऐसे फॉर्मेटेड क्वेश्चन होंगे, फिर मेरे को वैसा ही जवाब देना पड़ेगा जैसा इन्होंने लिखा है. लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन, है ना? ये तो घर के लोग हैं सब, आपके आसपास के लोग हैं, यहाँ आते रहते हैं ना, हमें इनको इम्प्रेस करना है. कॉन्वर्सेशन वो होती है जिसमें दोनों पार्टीज जो है बात करती हैं, जो आपके मन में ख्याल आए मुझसे पूछिए. तो क्वेश्चंस डोंट हैव टू बी इंटेलिजेंट, बट दे हैव टू हैव सम कनेक्शन विद ईच अदर. तो कीप योर फोन देयर. नहीं कुछ नहीं, ताली मार के दिस इज योर लर्निंग लेसन टुडे. लाइफ इज नॉट फॉर्मेटेड, लाइफ में कुछ भी फॉर्मेटेड नहीं होता. जो हम प्लान करते हैं, अगर वैसी जिंदगी चले तो क्या फायदा है? आपका नर्वसनेस है कि आप बिल्कुल करेक्ट सवाल पूछना चाहती हैं. यू वॉन्ट टू बी राइट. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग रॉन्ग. मांग निकाली है आपने, मेरे 50 फोटो खींच लिए, वैसी आएगी फोटो मेरी. ये लोग वैसे ही है, एक बार सबकी फोटो ले लो जरा, फिर आप बैठ जाओ, फिर हम बातें करें. क्या नाम है आपका सर जी? बह जाओ तुझे, चलो मजे करो, दूसरी भी गलना सुनो सभी. यस गुड, बी इजी, हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ. Done. So what is coming in your mind? What do you actually want to ask? Sir, मेरा इंटरव्यू लेना. Yeah, because that's ये याद रखूंगी जिंदगी भर की अनुपम के ना, मेरा इंटरव्यू लिया था, बुलाया था इंटरव्यू के लिए. कुछ भी हो सकता है. लेकिन तो जो मन में आ रहा है वो पूछो. पहला सवाल जो मन में आ रहा है. हाँ. आपका इंटरव्यू इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज, न्यूज एंकर सबने ले लिया, आज आपको कैसा लग रहा है? एक 22 ईयर ओल्ड गर्ल आपको रिग्रेट करने वाली है अपने क्वेश्चंस के साथ. आई एम वेरी एक्साइटेड. आपको क्या फील हो रहा है? आपको लग रहा है मुझे ग्रिल करने वाली है? मैं तो ग्रिल होने के लिए ही आया हूँ. मुझसे आप क्या ऐसा सवाल पूछ लोगे जिसका जवाब मेरे पास नहीं होगा? मैं कहूँगा मुझे नहीं पता. द बेस्ट थिंग इज इन द वर्ल्ड टू से मुझे नहीं पता.
तो फिर उसमें आदमी ग्रिल कर ही नहीं सकता। बट आज के बाद आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है, मैं आपको लिख के देता हूँ। तो हो गई। बस आपने मेरी क्वेश्चंस ले लिए। तो मुझे कुछ, जब मुझसे सवाल पूछता है कोई, फॉर मी Q&A और एन इंटरव्यू इज ए कॉन्वर्सेशन। फॉर मी कॉन्वर्सेशन हैज टू रीच आउट टू पीपल। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, पहले हमारे चौपाल का सिस्टम होता था, मोहल्ले में लोग बैठते थे, बातचीत करते थे। फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया ने बना दिया कि वी हैव टू साउंड इंटेलिजेंट, वी हैव टू साउंड इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू साउंड ग्रेट। बट ग्रेटनेस इज इन द सिंपलेस्ट कॉन्वर्सेशंस, वेर यू एक्चुअली वॉन्ट टू आस्क द क्वेश्चन एंड वेर आई एम एक्चुअली आंसरिंग। व्हेन आई एम गिविंग एन आंसर टू अ जर्नलिस्ट और समथिंग लाइक दैट, समटाइम्स दे आर पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स, वी ऐसा सुनना चाहती हैं। आप तो किताबों, बुक्स एंड बियॉन्ड, दैट इज योर टॉपिक, सो लेट्स टॉक अबाउट बुक्स एंड बियॉन्ड, दैट्स इट। सो जैसे कि आपने बोला, सोचा नहीं था इतना कि इसका फोन वहां पड़ा होगा। इसने जिंदगी में नहीं सोचा था, ओह माय गॉड, ये 6 पेज लिखे हुए इसने। कुछ भी हो सकता है, अगर एक मैं एक प्ले करता हूँ, कुछ भी हो सकता है। उसकी शुरू की 3-4 लाइनें सुनाता हूँ मैं आपको, तब तक वो रिलैक्स करें कि अगर एक लंगोटी वाला आदमी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का रोज नदी पार करके 10 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाया करता था, वही आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 27 बरस जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो मजे करो, हैव फन, एंजॉय, दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। इतनी नर्वस थी पीछे, आप इतनी नर्वस थी, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, मुझे घबराहट हो रही है, क्यों ना अनुपम के क्या कर लेगा तुम्हारा, है कि नहीं? ज्यादा ज्यादा क्या होगा, लोग कहेंगे बड़ा पैड़ा इंटरव्यू किया। Doesn't matter, it's important to fail. My father used to say failure is an event, never a person. Event fail होता है, आदमी थोड़ा फेल होता है। ओम नमः शिवाय। इसीलिए तो मेरे पिताजी ने इतने साल पहले मेरा नाम अनुपम रखा था। अनुपम का क्या मतलब होता है, चलो बताओ। यूनिक, जो कुछ भी कर सकते हैं। यूनिक, यूनिक मेरा मतलब है। हाँ, यूनिक मेरे नाम का मतलब है। बताओ अभी क्या पूछना चाहते हो। हाँ, पूछो। फोन दे दो। पहला को इट इज I am not here to punish you. नहीं, अच्छा सुनो तो सही। हाँ सुनाओ तो सही। हाँ देखो, इसने गंदी में कभी नहीं बोलना था इंटरव्यू में। ये पूछती तो मिस्टर खेर, what do you think about it? इसने कभी सोचा नहीं था मुझे कि अरे सुनो तो सही ना आप। पहले तो यहाँ मजा आ गया, आपने अनन्या को किसी भी इंटरव्यू में नहीं सुना होगा ये बोलते हुए, अरे सुनो तो सही ना, कहीं बात ही नहीं सुन रहे हो। By the end of it, she's going to shout at me. हाँ जी, सुनाओ तो सही। तो माता जी आप जरा शांत हो जाओ, मतलब वो उन आप उनको और ज्यादा नर्वस करेंगे, रिलैक्स। अच्छा मैं पूछूं, आपने 500 फिल्म्स करी, देयर वाज अ टाइम व्हेन ही डिड 14 रिलीजेस इन 1 ईयर। माय क्वेश्चन इज, आप सोते नहीं हो क्या, मतलब इतनी डेडिकेशन आती कहां से है सर? आप हम यंगस्टर्स को 2 काम एक्स्ट्रा दे दो, हम रोने बैठ जाएंगे। So, where do you get such dedication, such passion, such happiness? From life. To reinvent yourself. From life. Life is so beautiful. Everybody is so wonderful. There is a life with everybody. आपको आपने यहाँ पर बुलाया इनको जिन फूल फूल देने के लिए, सरदार जी को बुलाया, पीछे इतने लोग हैं, इन सब की अपनी लाइफ है। हम अपने आप को बड़ा सीरियसली लेते हैं। According to me, a person who takes himself or herself very seriously is very comical. I am making my job easy. My grandfather, मैं आपको बताता हूँ छोटी सी अपनी कहानी। मैं शिमला में, I'm a Kashmiri from Shimla, from Kashmir,
मेरे फादर और मदर की जब शादी हुई 1953 में, तो आई वॉज बॉर्न देयर इन अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली. अब हमारे हो गया लोअर मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली, अपर अपर मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास. उन दिनों होते थे गरीब और अमीर. तो हम थे गरीब खानदान से. मेरे पिताजी की तनख्वाह थी 90 रुपए और 14 लोग रहते थे एक छोटे से, इतना इससे दुगना था घर, छोटे से 14 लोग, मेरे दादाजी, दादी जी, ताया ताई, और हम बड़े खुश थे. तो मैंने एक दिन दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी जवाब दिया. उन्होंने कहा बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है. तो दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग लेसन. फिर जब मैं ड्रामा स्कूल बढ़ा करके गोल्ड मेडलिस्ट बन के जब मैं बॉम्बे पहुंचा, हेलो मैडम बैठो इधर, क्या मतलब है आपका इवेंट चल रहा है, क्यों जा रही हैं आप, छोड़ो मुझे, लाइफ इज, आप भी उनका भी फोन ले लो मैडम, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवनिंग ऑफ आवर लाइव्स, लेट अस बी हियर, लेट अस एंजॉय. नहीं नहीं आप जो जो करना करो. I was answering Ananya's question. आपको जो करने आप करो. मुझे लगता है आज के जमाने में we are becoming too a kind of a एक फर्मा होता ना, ये फर्मे की ये लाइफ है, ये फर्मा की, वो फर्मे को तोड़ के आप डिफरेंट हो सकते हो. तो मेरे पास, मेरे दादाजी कहते थे a busy man has time for everything. हम अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट सीरियसली लेते हैं. मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल पिछले 32 साल या 33 साल से सोच समझ के नहीं किया. एक बोर्ड, एक मूड नहीं है. आप मेरे मुंह से कभी नहीं सुनोगे कि मैं बोर्ड हो गया हूं, मैं बोर हो गया हूं, और या मेरा मूड नहीं है. मैं अपनी कंपनी में कैसे बोर हो सकता हूं? सो आई हैव आल्सो सीन डेज व्हेन आई हैड नो वर्क, व्हेन आई वाज इन बॉम्बे लुकिंग फॉर वर्क. आई हैव स्लेप्ट ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म्स. आई स्लेप्ट फॉर 27 डेज ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म एंड आई टोल्ड गॉड आप जब भी मुझे काम दोगे मैं हमेशा करूँगा. सो टू आंसर दैट क्वेश्चन, आई एंजॉय डूइंग एवरीथिंग. आई हैव एंजॉयड माय स्टूपिड फिल्म्स आल्सो बिकॉज दैट वाज अ जर्नी. टू मी लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. और जिस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ और आप वापस मुड़कर देखो और उस डेस्टिनेशन में रुकावटें ना हो, खड्डे ना हो, स्पीड ब्रेकर ना हो, तो फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचने का क्या फायदा? स्मूथ गाड़ी का कोई मजा नहीं है. इसलिए मैं सब कुछ करता हूँ क्योंकि मुझे फेलियर का टेंशन नहीं है. बहुत साल पहले जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, किसी का दिल मत किया ताली मार दी तुम्हारी ना. हम फियर ऑफ फेलियर से बहुत डरते हैं कि गड़बड़ हो जाएगी, सब कुछ ठीक नहीं, समोसे ठीक आए कि नहीं, पिज्जा ठीक था कि नहीं पीछे, ये सब चीजें हैं. ऐसा कुछ नहीं है, किताबें ठीक तरह से पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस शोज द details that has gone into the event. It's a very well executed event, fantastic, everything you should do. But conversation, yeah, all of you have done a great job. पीछे जो आपके बच्चे हैं, जो अनूप है, जो जिसने बना के समोसे दिए हैं, वो भी अच्छे हैं, सब अच्छा कर, सब जुड़े हुए लोग हैं. आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कितने सब लोग, जितने भी पीछे जो ग्रैंड पेरेंट्स नहीं भी हैं, वो भी बड़े अच्छे हैं. तो मैं 9th स्टैंडर्ड में था, मैं पढ़ाई में बड़ा बुरा था. मेरे कभी भी 38% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, मेरा रिकॉर्ड था कभी भी. आप में से 60% से ऊपर कितने लोगों के मार्क्स आए हैं? माय गॉड. और 70 से ऊपर बच्चे, तब भी आप नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठा हूँ. तो अच्छा होता है. तो मैंने अपनी 9th स्टैंडर्ड में अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर मैं अपने फादर के पास गया, क्योंकि साइन करवाने होते थे, आप सबने साइन करवाए होंगे. तो मेरे पिताजी ने मेरी रिपोर्ट कार्ड देखी तो उन्होंने कहा तू 59th आया क्लास में? मैंने कहा हाँ जी. कहते टोटल स्टूडेंट कितने थे? मैंने कहा 60. अब मुझे लगा मुझे डांट पड़ेगी. ही नेवर यूज टू हिट मी, नेवर नेवर डिड दैट. डांट पड़ेगी. तो उन्होंने थोड़ी देर लंबा पॉज लिया और फिर बोले एक बात है ना बिट्टू, मेरा घर का नेम इज बिट्टू, एक बात है बिट्टू, जो फर्स्ट आता है ना क्लास में, चाहे पढ़ाई में चाहे खेल कूद में, उसको हमेशा इस बात की टेंशन रहती होगी कि मुझे फर्स्ट आना है. वो सेकंड भी आता होगा तो उसको लगता है वो उसकी डिमोशन हुई है, लेकिन जो 59th आया है
वो 48th आ सकता है, 39th आ सकता है, 27th आ सकता है, 18th आ सकता है, एक काम करना अगली बार 49th आ जाना। फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि रिमेंबर फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन, सो इसलिए मैं सब कुछ करता हूँ क्योंकि मुझे टेंशन नहीं है कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। अच्छा मजा आया अपने पर आपको अच्छा लगा कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या सोचा? उसके दिमाग में चल रहा है, मैंने जो लिखा था उसके जल्दी से मुझे याद आ जाए। आज तो आपको नहीं याद आना, जो दिल से पूछो। दिल से पूछ रही हूँ मैं। My next question would be, how will she remember all my life, all her life? We have to give memories to people. अब देखिए इनके खानदान में इनके बच्चे, इनके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे सब मुझे याद करेंगे। क्यों? फोन रख दिया था इसका सामने, तो ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, इनके लिए नहीं किया मैंने। आपने अपने इतने सारे स्ट्रगल्स के बारे में बताया। यू स्लेप्ट ऑन रेलवे ट्रैक्स, एक टाइम था व्हेन यू वर एंटरिंग बॉलीवुड यू स्टार्टेड लूजिंग योर हेयर, सो एंड देन यू गॉट फेशियल पैरालिसिस व्हाइल डूइंग हम आपके हेयर कॉल। So my question to you is, उस young age पे self love, acceptance आप कहाँ से लाए? Because right now in my 20s all I care about is looking perfect and I feel acting के लिए तो looks चाहिए ही होते हैं। So मतलब आपको कभी डर नहीं लगा that your losing hair or facial paralysis might not help you with moving forward? So, दुनिया में एक ऐसा इंसान था, आपने कभी कुछ किया मतलब फॉर हेयर रेमेडीज? दुनिया कुछ भी बोलती थी मगर दुनिया में एक इंसान ऐसा था जो मुझे कहता था या कहती थी कि तू दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है, और वो मेरी माँ थी। तो मुझे कभी बुरा लगा ही नहीं कि मैं मेरे बाल नहीं है या ये नहीं है या वो नहीं है या कुछ नहीं, मुझे लगता था मैं तो बेस्ट लुकिंग हूँ। बट हिंदी फिल्मों में इन 1981 आई केम टू बॉम्बे ऑन 3rd of June 1981, ये तो बड़ी डिग्निफाइड सेक्सी बॉल्ड लोग हैं, लेकिन जब आपके शुरू शुरू में बाल जाते हैं, कुछ यहाँ से जाते हैं कुछ यहाँ से जाते हैं, वो बड़ी खतरनाक होती है। और मैं फिल्मों में एक्टर बनने गया था, इन 80s में बाल ना हो तो मतलब आप कहते थे आप एक्टर कैसे बन जाएंगे, आप राइटर बन जाइए, आप हाँ मुझे बोला था राइटर बन जाइए, आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइए। मगर नॉलेज एक कमाल की चीज होती है। आई वॉज अ ड्रामा स्कूल ग्रेजुएट, आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट, तो मैंने कहा मैं इनको सबको रॉन्ग करूंगा प्रूफ। एंड माई फर्स्ट फिल्म एट द एज ऑफ 28 दैट आई गॉट थैंक्स ऑल्सो वॉज टू माई बॉल्डनेस, सारांश। सो वॉट यू थिंक इज योर शॉर्ट कमिंग कैन बिकम योर बिगेस्ट बून। हम आपके हैं कौन के दौरान मुझे फेशियल पैरालिसिस हुआ था। एक दिन मैं सुबह उठा तो मेरा पूरा चेहरा टेढ़ा था, एंड वी वर डूइंग दैट सीक्वेंस, वो टेरेस पे वो पिलो वाली सीक्वेंस थी ना, पिलो बांटते हैं तो उसमें तो मिस्टर सूरज बढ़ जाते हैं, इनफैक्ट आई एम शूटिंग फॉर हिम नाउ, उन्होंने मुझे कहा कि आप मैं आप 2 महीने के लिए शूटिंग हो। अच्छा बेचारे यार कितनी अच्छी, एक तो आपने इसको थोड़ा इसको छोड़ दीजिए अभी, आप बोला नहीं, आप खुद यहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी, आप पानी का गिलास लाने नहीं क्यों नहीं जा सकती? जैसे मैं जा रहा हूँ, देखो मुझे पानी चाहिए, मैं अपने आप गया उठाने, मुझे अच्छा लगा। मुझे पानी नहीं मिलता गिलास लगा। I'm also here to give you life lessons. Yes. Hai na? Yes, yes, yes. So I think a shortcoming is a shortcoming only if you think it's a shortcoming. If you don't think it's a shortcoming, then it's not a shortcoming. There is no end to perfection. Let me tell you, perfection is very boring. It is the rough edges which makes you believable. So believability, you're thinking of something else, Bairam. You're thinking of your next question. Don't think of your next question. I am doing this to you because I love you, not because I. I can repeat your lines. Acha. Failure is never a person; it is an event.
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप हम सबको इंस्टा पे इतना एंटरटेन रखते हैं, बी इट दुलारीज वीडियोस और अनिल कपूर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, बट अभी आप हेल्थ मतलब फिटनेस फ्रीक भी बन गए हो, सो यू आर इंस्पायरिंग अस इन ऑल फील्ड्स, एंड आप सोशल मीडिया के ट्रेंड से इतना ज्यादा अपडेटेड कैसे रहते हो? सो बिकॉज आई लाइक टू रीइन्वेंट मायसेल्फ, आई कांट डू थिंग्स. पहली बात तो मैंने अपनी खुशी लोगों के ऊपर नहीं रखी है. जिंदगी में तीन चार लोग ही जरूरी होते हैं जिनकी ओपिनियन आपके लिए मैटर करती है, आपके घर वाले या आपके कुछ गिने चुने लोग. आप कभी ऐसा दुनिया का कोई इंसान नहीं है जिसको सब पसंद करते हैं, और सबको खुश करने के चक्कर में यू कैन रियली रियली बी टायर्ड. आई फाइंड myself very excited about lots of things because I'm excited about life. Every time I get up in the morning, I say, oh wow, another new day. मैं अपने बेंच पे अपना नाम खोदता था. प्रकार होती ना, जिसे प्रकार कहते हैं ना हिंदी में, उसको अंग्रेजी में कंपस, उससे खोदता था और मैं उस पर लिखता था अनुपम खेर, ये सोच के कि बहुत साल बाद जब यहाँ कोई बैठेगा तो कहेगा अनुपम खेर यहाँ बैठता था. सो यू हैव टू मेक योर ओन हिस्ट्री, यू हैव टू मेक योर ओन लाइफ. You can't be. Life is very exciting. Life is exciting in small little things. आपने मुझे कहा कि जो आपके bodyguard हैं जो आपको यहाँ लेकर आएंगे, with all due respect to them, they're both lovely people. मैं क्यों इन लोगों के बीच में से bodyguards के साथ आऊँ? ये सब लोग मुझे प्यार करते हैं. इनसे मुझे क्या? मैं अपने आप को, मेरे को इस बात की कोई टेंशन नहीं कि मुझे इंपॉर्टेंस चाहिए. Bodyguard आपकी सुरक्षा के लिए तो होते ही हैं, मगर ये भी आजकल एक स्टेटस सिंबल भी है कि मैं पांच बॉडीगार्ड्स के साथ आया. और किससे रोक रहे हो? कोई रास्ते में देख भी नहीं रहा, फिर भी वो बॉडीगार्ड कर रहे हैं, हट जाओ. और कोई है ही नहीं भाई, किससे हटवा रहे हो? ऐसा हुआ है ना आपके साथ, है ना? ये मेरे दोस्त आए. सो आई एम वेरी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद मेकिंग मिस्टेक्स. माई ग्रैंड फादर वॉज वंस ईटिंग फूड, और खाना खाते खाते मेरी माँ उनको सर्व कर रही थी, तो खाना खाते खाते वो आवाज कर रहे थे. तो मेरी माँ ने उनसे कहा कि बाबूजी क्या कर रहे हो आप, खाना खाते हमें आवाज कर रहे हो? तो मेरे बाद दादाजी ने उनसे कहा, बेटा मुझे तो मजा आ रहा, प्रॉब्लम तेरी है. सो वी, व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी मींस बीइंग कंफर्टेबल विद योरसेल्फ. इफ यू वांट टू बी समबडी एल्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो वेदर इट वॉज सोशल मीडिया, मुझे व्हेन आई रीच 67 नाउ, व्हेन आई रीच 60 आई थॉट I must physically change myself, because till then I used to think whatever role I'm doing, so how do I do it? So let me get into the gym. Now when I shared those pictures of my so-called physique on social media, especially on 67th birthday. Yes. So. आपने वो meme देखा था? सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से बता दिया जाता है कि आप 58 के हो गए तो आप अभी काम के नहीं रहे. एट द एज ऑफ 50 तो लाइफ शुरू होती है, बिकॉज यू डिस्कवर हु यू आर, यू डिस्कवर, एंड वी टेल देम दैट यू आर नॉट वर्थ इट. सो ऑल दोस पीपल ओवर हियर हु आर एट 60, प्लीज स्टार्ट योर लाइफ टुमारो फ्रॉम द बिगिनिंग. आपके पास एक तो जिंदगी के इतने तजुर्बे हैं, आप अपने बच्चों को, आपको ये, आई डोंट अलाउ माई एनी ऑफ द यंगस्टर टू टेल मी I will show you how to use Instagram. चपेट मारूंगा, मुझे पता कैसे इस्तेमाल, मुझे पता सारे फिल्टर्स कैसे करने इस्तेमाल, मुझे पता है ट्विटर में कैसे क्या करना है. I have to educate myself so that no youngster can teach me how to do it. It will be very exciting. So आप अपनी जिंदगी को please for God से retired जिंदगी मत बनाओ, because life अब शुरू हुई है. So that's why you have to keep reinventing yourself. Your competition is with your own self. अब मैं खुद के साथ रह रहा हूँ और मैं accept नहीं कर रहा. अब मेरे, I have a ligament tear. Right.
Right now, I have a ligament tear. But it's okay, it's fine. That's why I'm wearing these fancy shoes, because मुझे चमड़े वाले जूते से परेशानी होती है. I thought you're wearing this because you're being interviewed by 22. I am 22. Don't be so superior about being 22. What is so great about being 22? नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता एट द एज ऑफ 26 और 27 व्हाटएवर इट इज. सो व्हाट इज, डोंट मेक मी फील, आई एम नॉट टेलिंग यू आर मेकिंग मी फील, ये एरोगेंस ऑफ बीइंग 22 इज नथिंग. रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं. बाईस साल की उम्र में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गोल्ड मेडल जीता था मैंने. और मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूं. ये बहुत बड़ी बात है, बट इससे आप इंप्रेस मत होइए कि आप 22 साल की और मुझे आप इंटरव्यू कर रही हैं. मैं इंप्रेस अपने आप से बहुत ज्यादा हूं. कि आप मुझसे इंटरव्यू हो रहे हो. ना, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं. आप, मैं आपको खुश करके, आपकी खुशी के लिए और आपकी मॉम की खुशी के लिए, जिस तरह से आपने मेरा इंटरव्यू किया था, I was very happy that there was a certain amount of sincerity. That sincerity touched me. There was a certain amount of eagerness to learn. You see, from that time to today, that eagerness touched me. I don't have to travel all the way from Delhi to this place, because that genuineness touched me. If you lose that genuineness, then you are like anybody else. So stay genuine, stay real, and stay truthful. Because 22 will become 44 one day. Yes. In one of your posts, you mentioned that the best thing about being an actor is to, you get to meet so many people from... conversation lag rahi ki nahi, conversation ho rahi hai. Hai ki nahi, nahi to abhi kya karti hai? Next. Kya likha tha, dekh to lunga. Like you say, your best days today is a, it is a definition, my best day today, because mama, I want to thank Herman, she's thanking you. Herman is my CEO and my, I want to thank, I have been waiting for this moment for so long. आपकी शक्ल से लग रहा है you have been waiting for this moment. इसको बोलने की क्या जरूरत है? ये आपको मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, I love her, she's a beautiful girl and a wonderful, very talented. To be able to do all this at the age of 22 is fantastic. But please teach your children to be themselves. It's the most difficult thing in the world is to be yourself. Most difficult thing. So in one of your posts you mentioned that the best thing about being an actor is that you get to meet so many people from around the world. You get to talk to them, bond with them. But I want to know that meeting the godfather of acting, Robert De Niro, must have been an experience in itself. And how good did you feel when you presented your book to him? Koi aisi unki baat jo abhi tak aapke mind mein echo karti ho? Anything? I'll tell you something which I've known, don't share with many people, but Robert De Niro, jo waqai is the god of acting according to me. Magar mera pehle din unse jhagda ho gaya tha. What? Yes. But why truthful being is very important. So, मैंने ड्रामा स्कूल में उनकी दो फिल्मों पे, टैक्सी ड्राइवर और मीन स्ट्रीट्स पे एक वो किया था, पूरा प्रोजेक्ट किया था. फिर भगवान ने मुझे मौका दिया कि मैं उनके साथ एक्टिंग करूँ एक फिल्म में. फिल्म का नाम था सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक, उसमें ब्रैडली कूपर था. तो मेरे ब्रैडली कूपर के साथ सारे सीन हो गए थे. अब मैं वेट कर रहा था कि मेरा रॉबर्ट डी नीरो के साथ काम कब आएगा. तो एक दिन आया, मैं उनके लिए रूबी का गणपति लेकर गया था. और मेरी पहली किताब जो थी, योर बेस्ट, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, उसका मैन्यूस्क्रिप्ट था, अभी छपी नहीं थी वो किताब, वो लेकर गया. और मुझे वो असिस्टेंट ने बोला, रॉबर्ट डी नीरो डज नॉट मीट एनीबॉडी आउटसाइड द सेट, ही विल मीट यू ऑन द सेट. तो मैं भी पक्का हिंदुस्तानी, मैंने कहा नहीं यार, मेरे को तो मिलना ही, मैं गणपति लेकर आया हूँ उनके लिए. प्लीज, मैं पीछे पड़ गया असिस्टेंट के, वो तंग आ गया मुझसे. उसने जाके मिस्टर डी नीरो को कहा कि यह इंडियन एक्टर है, ये पीछे पड़ गया, इसको मिल लो आप. अच्छा, मैं सोचता हिंदी में हूँ, मैं हिंदी मीडियम स्कूल में गया हूँ, डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल. तो मैं जब अंग्रेजी में बात करता हूँ, अभी भी आई ट्रांसलेट इन माई माइंड व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू एंड देन आई से इट. तो उसमें कभी कभी गड़बड़ हो सकती है. तो मुझे फाइनली बुलाया कि बुला रहे हैं आपको डी नीरो साहब. मैं गणपति लेकर गया,
और मैं जब उनको दे रहा था तो मेरी आंख में आंसू थे कि फाइनली आई गेट टू सी हिम. तो ही वाज अ लिटिल ऑकवर्ड, ही सेड व्हाई आर यू टियरिंग अप. अब मैं उनसे कहना चाहता था कि मुझे आपसे मुलाकात आज हो रही है, इसके तो मैंने अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट किया, मैंने कहा आई एम वेरी मूव्ड बाय माय स्टोरी. बोले क्या? मैंने कहा आई एम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लर्क सन, टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट अ जर्नी. अरे इडियट, उसकी तारीफ कर, मैं बोल रहा हूँ अपने बारे में बोल रहा हूँ, व्हाट अ जर्नी. तो उन्होंने कहा गुड 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 गुड, नाइस नाइस नाइस. यानी मैं फोटो वोटो खिंचाए. अब सीन ऐसा था कि मैं और ब्रैडली कूपर और पांच छह लोग घर पे आते हैं और वो गुस्से में है और गुस्से में हम कुछ ऐसा कुछ सीन, लंबा चौड़ा सीन है. तो जब मैं उनके साथ रिहर्सल करने लगे तो सडनली ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट रोल, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट शॉट, ही वॉज गेटिंग एंग्री एंड ही वॉज गेटिंग इन टू द सीन. And then suddenly he told the director, who is David or Russell, David, why will I tolerate this Indian doctor in my house? तो मैंने मन में कहा क्या बोल रहा है मेरे. अच्छा उसमें 13 पेज का सीन था, मेरे 3 डायलॉग थे, एक पहले पेज पर, एक 8वें पेज पर, एक 11वें पेज पर. But I was very happy that I had a scene with Krishna Robert De Niro. तो David ने कहा what do you mean? He said, he, because of him my son could have been arrested. So I don't think I will tolerate him in my son. I will throw him out of the house. तो उन्होंने कहा okay, rehearsal करते हैं. तो rehearsal उन्होंने की तो मुझे लगा ऐसे ही बोल देंगे don't come to my house. उसने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे पकड़ के भैया get out of this house और बाहर फेंक दिया फिलाडेल्फिया में ठंड में अक्टूबर में और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया. अब मैं बाहर मेरी ये सिर्फ मैंने वो टी शर्ट नहीं पहनी थी, ऐसे एस लिखा था. मैं बाहर खड़ा हूँ और अंदर सीन चल रहा है और मैं बाहर. फिर दोबारा वापस आए तो कहते हैं डेविड ने कहा कि दिस कैरेक्टर इज इन दिस सीन इन माय माइंड, डायरेक्टर ने कहा फॉर 2 ईयर्स, सो कैन वी डू वन मोर रिहर्सल. फिर उसने मुझे हाथ से पकड़ा और बाहर निकाला, यू गेट आउट ऑफ दिस हाउस. फिर अंदर ताला मार दिया. फिर मैं बाहर सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ हिंदुस्तान का महान एक्टर, पद्मश्री, 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स, 2 बार नेशनल अवार्ड्स, मेरा ड्रामा स्कूल है और मैं बाहर तक के खा रहा हूँ ठंड में. फिर अंदर आए तो बोले ओके ओके दिस इज फाइन, सो अनुपम मिस्टर डी नीरो विल थ्रो यू आउट. मैंने कहा एक मिनट रुक जाओ. मुझे याद आया कि मेरे दादाजी कहते थे कि इफ यू वांट टू बी इक्वल विद एनीबडी इन द वर्ल्ड जस्ट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन. तो मैंने मन में डिसाइड कर लिया मुझे हॉलीवुड में ज्वाइन करना ही. अब मैं इनको अपने मन की बात कह सकता हूँ. तो उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या? अब सब लोग गेटिंग इंपेशेंट, क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा सर 2 मिनट्स आई वॉन्ट, आई नीड 2 मिनट्स फ्रॉम यू. मैंने कहा आप इसमें 8 लोग हैं इस सीन में, हम सिर्फ आपकी इंटरप्रिटेशन क्यों सुन रहे हैं? तो रॉबर्ट नीरो के सामने ऐसा बोलना, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जरूरत नहीं है, नॉट आउट ऑफ एरोगेंस बट आउट ऑफ द नॉलेज दैट व्हाई इज ही डूइंग दैट और व्हाई इज द डायरेक्टर एग्रीइंग टू इट. तो पिन ड्रॉप साइलेंस था. फिर सेकेंड टाइम मैंने कहा कि दूसरी बार डायरेक्टर साहब आपने कहा कि आपके मन में ये कैरेक्टर 2 साल से, अब 15-45 मिनट में आपने निकाल दिया अपने 2 मिनट से, इसका मतलब आपकी कन्विक्शन नहीं है या आप इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि रॉबर्ट डी नीरो ने बोला है, ये सब उनके सामने बोल रहा हूँ. तीसरा, मैंने ये फिल्म इसी सीन के लिए किया, मैंने निकल रहा सीन से बाहर. आपने ये बोल दिया? हाँ, देखो सब नोबडी वाज सेइंग एनीथिंग. एनीवे फाइनली उन्होंने कहा ठीक है, मैं उस सीन में रह गया. रात को जब 2 बजे शूटिंग खत्म हुई तो मेरे को वो असिस्टेंट मिलने आया और बोला डी नीरो साहब आपको अपने नहीं अपनी वैन में बुला रहे हैं. मैं वैन में गया तो ही हैड हिज बैक टुवर्ड्स मी एंड ही वाज मेकिंग समथिंग. तो ही सेड आई हैव ओनली वोडका. तो मैंने कहा ये मुझे पीने के लिए बोल रहे हैं? और मैं अपने हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया. मैंने उनको कहा फ्रॉम योर हैंड्स आई विल ऑल्सो टेक पॉइजन. मैं तो आपके यहाँ से जहर पीने को तैयार हूँ, आप क्या बात कर रहे हो? I don't have poison. फिर उन्होंने मुझे दिया और उस आदमी की महानता देखे, उन्होंने मुझे कहा I have this. I'm sorry, I was selfish. And now we have become the best of friends. So कभी-कभी दिल की बात बोलना जो है ना वो बहुत जरूरी होता है. क्या कर लेंगे ज्यादा ज्यादा, क्या क्या फर्क पड़ता है? At least you must convey what you feel. So it was great working with him. He's one of the greatest actors. When I have his when I on my phone I have his messages, I feel oh god of acting's message has come. He celebrated thrice my day only because I could be honest with him.
So people respect honesty. That's what I think. You were also invited for dinner, I think. I went to his house. Oh, to ab to mere dost hain, ab to mere aur kya hal hai Robert bhai? Nahin, but that's only could happen because mujhe, when you are ready to leave everything, when you are ready to give up on it, then you have to be popular with yourself, not with the world. Agar main apni nazaron mein niche hoon, to phir fayda hai kya hai? Mujhe apni nazaron mein upar chadhna hai taki main apni izzat kar sakun. That's important. पानी कहाँ से आता है. अब मैं जानबूझ के, अच्छा फाइव स्टार होटल वाले आपको बहुत डराते हैं अपने एटिकेट से. एक तो आपसे लंबा आदमी उनका दरबान होता है. कोई आपसे छोटा हो ही नहीं सकता, बड़ा सा लंबा आदमी जैसे अपने भाई साहब है मेरे बॉडी गार्ड. आप उनसे ऐसे बोले करते हैं, आप पैसे खर्च कर रहे हो, आप फाइव स्टार होटल में चाय पियोगे 500 रुपए दोगे चाय के, वो आपको डराएंगे. तो मैं तो पहला सवाल उससे पूछता हूँ जो मुझे डराने की कोशिश करता है, पूछता है व्हाट कैन आई हैव टू गिव यू. अब जो पानी पिला दो जी, हिंदी बोलता हूँ, व्हाट वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, कोल्ड वाटर, वार्म वाटर, रूम टेम्परेचर वाटर और प्लेन वाटर. अब आपको, आप ये नहीं बोलते कि मुझे ये चाहिए क्योंकि आपका ये पानी, आप सोचते कि मैं क्या जवाब दूं जिससे ये इंप्रेस हो. स्पार्कलिंग स्पार्कलिंग अच्छा है. ओके स्पार्कलिंग, ओके चिल्ड विद आइस, विदाउट आइस एंड और कोल्ड, क्या अच्छा लगेगा, लिटिल बिट ऑफ आइस. अरे आपका गला खराब हो रहा है इडियट. फिर चाय आती, विच टी विल यू हैव, दार्जिलिंग और अर्ल ग्रे और आसाम टी और इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी और मसाला टी, अर्ल ग्रे विद मिल्क, विदाउट मिल्क और कोल्ड मिल्क, वार्म मिल्क with sugar, with Splenda, with this thing. अरे चाय पीने आया हूँ तो मैं आप क्या करता हूँ, मैं से पूछता हूँ कौन से गांव के हो भैया, किसी गांव का तो होगा ना वो. So it's how you make your job easy. मजा आ रहा है ना? देखते हैं, which should bring us to the topic of the Kashmir files, because that's what is important. ट्रेजेडी है जो हमारे हिंदुस्तान में लोगों को पता ही नहीं था, पता ही नहीं, मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा हुआ था. मतलब ये हॉलोकास्ट था, ये जेनोसाइड था. मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे अपने मामा, मेरे अपने लोग, काफ़ी लोगों को जो आपने फिल्म में देखा वो 5% है, 5% है सिर्फ जो असली में हुआ. और उससे बड़ी ट्रेजेडी थी कि दुनिया इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि ऐसा हुआ था. इस तरह समाओ इस पूरे हादसे को इस तरह से छुपा के रखा गया था. तो जब विवेक अग्निहोत्री साहब ने मुझे बताया कि वो इस फिल्म में काम मुझे दे रहे हैं और इस फिल्म में बना रहे हैं, तो उन्होंने 4 साल इसका पूरा अध्ययन किया. उन काफ़ी लोगों को मिले, पीड़ित लोगों को, अमेरिका में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वो सब लोग जो ये निकाले गए थे अपने घर से, 5 लाख लोग चले गए थे एक ही रात को, 19 जनवरी 1990 को. वो सारे लोग, क्योंकि वी बिलोंग टू अ वर्ल्ड वेयर वी डोंट टेक पिकअप गन्स. उसका डायलॉग मिथुन जी का एक बहुत अच्छा, कश्मीरी पंडितों ने कभी नहीं उठाई. मैंने बहुत फिल्मों में, मैंने पहली फिल्म भी जो सारांश की थी, हमेशा हर फिल्म में कहीं ना कहीं क्राफ्ट इस्तेमाल होता है. एक्टर को लगता है कि मैं ऐसा महसूस करूंगा, ऐसी भावना. मगर कश्मीर फाइल एक ऐसी फिल्म है, बिकॉज मेरे सिर पर या मेरे कंधों पर उन 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इनका दर्द अगर मैंने दुनिया तक सच्चाई से नहीं पहुंचाया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा. मैंने कभी नहीं सोचा था. और मैं 20 दिन के लिए, हमने देहरादून और मसूरी में शूटिंग की थी, मैं 20 दिन के लिए ऐसा लगता था कि मैं किसी गुफा में चला गया हूं और एक के बाद सारी यादें जो थी वो ताज़ा होती चली गई. एंड इस बात की मुझे इतनी खुशी है कि ये फिल्म पूरे वर्ल्ड ने आत्मा से जुड़ी है, अपने शरीर से तो जुड़ी है, आत्मा से जुड़ी है. आउट ऑफ 2 रीजंस, वन इज दैट दे आर शॉक्ड
कि उनको पता ही नहीं था ये हुआ था उनके खुद के देश में, और 32 साल पहले, नॉट 3000 साल में, नॉट 300 साल पहले, 32 साल पहले. दूसरा, आफ्टर रियलाइजिंग कि ये हुआ था, दे फील गिल्टी. दैट्स व्हाई समटाइम्स दुख जो है इंसानों को जोड़ता है, पेन जो है वो इंसानों को जोड़ता है. खुशी शायद ना जोड़े, लेकिन पेन. दैट्स व्हाई व्हेन समबडी लूजेस समबडी इन द फैमिली, यू गो एंड हग देम. दैट्स ऑल. यू कांट डू एनीथिंग. यू कांट ब्रिंग देम बैक. यू कांट ब्रिंग आउट द ट्रेजेडी ऑफ कश्मीरी हिंदूज, व्हाट दे वेंट थ्रू, रेप्स, मर्डर्स, टॉर्चर्स, किलिंग्स, और अपने घर से निकाला जाना. हमें बड़ा इतना हम उस बात का एहसास नहीं करते हैं. मैं 10 दिन घर से बाहर रहता हूँ, होटल में, 5-स्टार होटल में, जहाँ सारे आराम हैं. मुझे फिर भी घबराहट होने लगती कि मैं अपने बिस्तर पे कब जाके सो जाऊँ. हम हिंदुस्तान के बाहर होते हैं, हमें लगता है कि यार अभी किसी हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट को ढूंढते हैं ताकि वो दाल और रोटी अपनी खा सकें. कब तक पिज्ज़ा, चाइनीज़ और थाई फूड खाते रहेंगे. इन लोगों को कश्मीर की जगह से निकाल दिया गया. मुझे याद है मेरे दादाजी की छोटी सी कोठरी थी जिसमें उनका मंदिर था, उनकी लाइब्रेरी थी. मुझे उस जगह की खुशबू याद है. अब खुशबू का तो रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकता, बिकॉज उस मिट्टी की दीवारों में जो खुशबू थी, वो धूप की, अगरबत्ती की, लौ की, उसकी जो छत थी उसका थोड़ा सा काला हो जाना, वो सब चीज़ें. ये घर जो है, जो अपना वतन जो है, जो अपनी अपनी चीज़ें जो हैं, वो छोड़ के जाना नहीं कि आप घर दीवारें छोड़ के चले गए, छत छोड़ के चले गए. आप यादें छोड़ के जाते हैं, आप अपने कॉर्नर्स छोड़ के जाते हैं, आप खिड़की के बाहर अपने बदलते हुए मौसम को छोड़ के जाना चाहते हैं. ये पता ही नहीं लगने दिया. दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वेन यू सी ए कश्मीरी पंडित अमंग हेयर, उसको आप गले लगाइए, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते आप. और दुनिया भर में इस फिल्म ने इसलिए अपना नाम कमाया है क्योंकि दुख ने लोगों को जोड़ा है. And it's sad that they have gone through. They did not become terrorists. They did not become violent people. They just went, and they today they are in most amazing jobs. But तकलीफ जो है उसका कोई timetable नहीं होता. जब आप किसी को खोते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, my father died 10 years back. But sometime when you are in the middle of very happy moment, you think of your father or your mother or your relative or your क्लोज वन. उसी तरह से ट्रेजेडी का कोई टाइम टेबल नहीं होता. सो 32 साल बाद ही सही, आई एम ग्लैड, आई एम फील दैट देयर इज सम काइंड ऑफ हीलिंग दैट हैज स्टार्टेड. अब आप कश्मीरी पंडित जाके कह सकते हैं, देखा जो मैं कहता था आपको पिछले 32 साल से हमारे साथ ऐसा हुआ है, आप लोग यकीन नहीं करते. अब देखिए वो फिल्म बनी है कश्मीर फाइल्स. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. We'll take one or two questions from the audience and then can we end it? Just one more question. Yes, please. एक मतलब इतना phenomenal था, फिल्में बनती हैं 100 करोड़ कमाने के लिए, पर ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने 100 करोड़ लोगों को जगा दिया. It is. That's right. Very well said. Yes. It is phenomenal to see. एक साइड पे दैट आवर प्राइम मिनिस्टर प्रमोटेड दिस मूवी एंड मेड इट टैक्स फ्री सो दैट मोर पीपल कुड वॉच इट. बट देन सर, एक तरफ आप कमेंट सुनते हो कि मूवी टैक्स फ्री ही करनी थी तो यूट्यूब पे डाल देते. डज इट नॉट हर्ट? जब कोई मुझसे ऐसा सवाल पूछता है तो मैं पहले ओम नमः शिवाय बोलता हूँ ताकि मैं अपने आप को शांत कर लूँ. ओम नमः शिवाय. देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने फिल्म नहीं देखी थी, बट ही न्यू व्हाट द फिल्म वाज अबाउट. एंड 7 राज्यों ने या 8 राज्यों ने जो फिल्म टैक्स फ्री की, बिकॉज दे फेल्ट द इमोशंस ऑफ द पीपल. वरना अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने से ही फिल्म चलती तो उनके लाइफ पे जो बायोपिक बनी थी वो तो 1000 करोड़ करनी चाहिए थी, वो नहीं चली. सो फिल्म जब चलती है तो उसका मतलब उसका कहीं से कहीं कनेक्शन होता है. और जो इंसान इस तरह की बात करता है कि यूट्यूब पे जानी चाहिए, वो उसकी सोच है. आप कुछ कर नहीं सकते बिकॉज यू थिंक दैट ही इज प्लीजिंग अ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल. आई थिंक इट वॉज अ वेरी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट. इट इज अ स्टेटमेंट विच इवन एन इलिटरेट पर्सन विल नॉट मेक. अब मैं उसके बारे में बहुत ही उनको इससे ज़्यादा मैं इस मंच पर जिक्र नहीं करना चाहता, बिकॉज दैट्स नॉट वॉट इज इम्पॉर्टेंट. कल को लोग ये बात करेंगे कि अनुपम खेर ने चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के बारे में बात की, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. वी हैड सच अ वंडरफुल टाइम.
So you say what you are, you in fact you show what you are by your statements. And I don't want to give him such a place in my conversation with you today, the satisfaction of it. It was a very insensitive statement. It was a statement which will harm him in the future, because unko jab 5 lakh Kashmiri Hinduon ki aah lagegi na, to unke liye bahut mushkil hoga. We have one or two questions. Can I, on your behalf, can I introduce those ladies are raising their hand for a long time. Yes, please. Thank you, sir. Sir, as you were talking about the movie, I would first like to say we are a big fan of you, and we belong to a Kashmiri migrant family, but we were born here and raised here. And when we saw the movie, we could relate a lot. We've been grown up listening to such horrendous stories. And when I even made my friends, unko bhi main theater legi, and all the Kashmiri samitis in the Faridabad took the initiative to watch the movie. And all my friends were so shocked, and I would really thank you and Agnihotri sir to make such a movie. And that's all. And my question here is about your book. It's based on COVID situation, how you deal with such unprecedented situation. So what I felt during when pandemic occurred, I was in my second year, and I found myself overthinking a lot about things and stressing over tiny matter. But when I compare my problems to what my parents have faced, it's nothing. But about mental health, मेरे घर पे कभी mental health की बात ही नहीं हुई थी, लाइक ये तो ऐसे मजाक है. But I feel like कुछ भी छोटा सा हो जाता है, मेरे को mental it stresses me a lot. So do you think the जो हमसे पहले की generation थी, it was more strong in terms of mental health, or is it that this generation is more equipped with media? Mental health awareness is very important. I'm not saying that what you are saying is so. The medical side of mental health is serious. We should take it seriously. But the jahan tak generation ki baat hai, we are, I think, and I'm saying, I personally feel that I'm of your generation. You are, sir. Yeah, absolutely. But I think joint family ke bade maze hote the. कोई ना कोई सवाल का जवाब देने के लिए होता था. समटाइम इंफॉर्मेशन आप गूगल पे मिल सकती है, लेकिन इंफॉर्मेशन डज नॉट टर्न इनटू नॉलेज. नॉलेज कम्स विद लिविंग लाइफ. वी लिव अ वेरी प्रोटेक्टिव लाइफ. मैं सुबह घर से निकलता था, जब मैं शिमला में था, मैं रात को आता था या कहीं आता था, किसके घर सो रहता था, किसके यहाँ जाता था, किसके सोता था, किस कहाँ खाना खाता था, मेरी माँ को कुछ पता नहीं होता था. वी हैव कम आउट एज अ हेल्दी पीपल. हमारे यहाँ कोई ना कोई आपके सवाल का जवाब, हिंदुस्तान में जो हैं आपके, आप अपने प्रॉब्लम चौकीदार से भी बताते हैं, रिक्शा वाले से भी बताते हैं. वी आर टू अवेयर ऑफ टू मेनी थिंग्स, बट मेंटल हेल्थ इज समथिंग यू हैव टू हैव आंसर्स. वी हैव फ्रेंड्स नाउ ऑन फेसबुक. वी डोंट हैव फ्रेंड्स विच आर फेसेस. द फेसलेस पीपल आर मच मोर इम्पोर्टेंट टू हैव प्रॉपर कम्युनिकेशन. आज हम कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज हम बोलते नहीं किसी को कि मैं आपको मॉम आई लव यू, डैड आई लव यू, प्लीज. आप हमें यहाँ लगता है कि डैड और मॉम जो है, ओह माय गॉड, नाउ ही इज गोइंग टू क्रैक ए जोक इन फ्रंट ऑफ माय फ्रेंड्स, वी आर एम्बैरेस्ड. मैं अपने फादर के जोक पर, जो बकवास जोक होते थे, सबसे ज्यादा हंसता था, और जो मेरे दोस्त को लगता था कि मुझे कहता तू आज के बाद घर ना. सो वी हैव टू लर्न व्हाट वी हैव आवर पेरेंट्स हैव गिवन अस. That is the biggest ashirwad you can get. Yes. You will have no mental health problem if you tell everything to your father and your mother. Sir, last thing I would like to next, please. Yes, ma'am. I don't know. She's doing a dance. Iske baad main aapse puchta hoon. Thank you so much. So,
I think through this interview I can experience that your life, everybody's life and your life is a huge ocean, and you're bringing out so many instances, and you know it touches you in ways ki aapne socha bhi nahi tha interview ke pehle ki ye ho sakta hai aapke sath. I'm sure Ananya aapne bilkul bhi nahi socha tha. So I have a very specific question. If you can take a memory lane of one moment, a few moments in which you're in that moment right now, and you're not, things are not going your way, you're struggling. Also, people in your life, I'm in awe of how your parents have, aapki upbringing sounds beautiful. Like the biggest support system that you can have is like a supporting parent. But if it happened in that moment, also the people in your life are not very supportive. They're doubting you. Iska kuch ho bhi payega? Ya ye sirf bade bade sapne dekhta hai? If that happened, so what was your mindset like? I ask this also because I am in a similar situation. I know that. I guess so. I said, there is a push ki apne problem ke solution chahte the. Dekhi, agar to aap galat hain. तो आपको ठीक करना चाहिए, और अगर आप गलत नहीं हैं तो कोई क्या कहता है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. आप खुद को तो आपको पता होगा. यू कैन नॉट लाई टू योर सेल्फ. आई नेवर लाई टू माई सेल्फ. आई मे लाई टू यू, आई मे लाई टू बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. समटाइम्स यू डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी, बट यू शुड बी ऑल्सो ओपन टू लर्न. इफ योर माइंड इज ओपन, देन देर इज नो सिचुएशन इन लाइफ विच यू कांट डील विद. लोगों का काम ही डाउट करना है, बिकॉज वो अपनी अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. दो तरीके, दो किस्म के लोग होते हैं, क्रिटिसाइजर्स एंड डूअर्स. यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी. आई एम श्योर यू आर अ डूअर, सो लेट क्रिटिसाइजर डू देयर जॉब. उनको लगता है कि जैसे देश को कुछ लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उनको लगता है कि हमने क्रिटिसाइज करके मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन कर लिया अपने देश में. और जो डूअर्स होते हैं उनको बोलते रहते हैं तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया. हमारे एक युवा नेता हैं बेचारे, वो सिर्फ क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं. उन्होंने आज तक कभी किसी को प्लान नहीं दिया कि अगर मैं भारत में आगे कुछ बन जाऊं तो ये मेरा प्लान होगा, ये मेरा ब्लूप्रिंट होगा, इस तरह से मैं अपने देश को आगे ले जाऊंगा. नहीं है, इसलिए नोबडी टेक्स द पर्सन सीरियसली. एंड हाउ डू वी डील विद योर सेल्फ? जस्ट वन क्वेश्चन. जस्ट बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. Just adding one thing, I have a very specific gift for you. So after the interview, I'd like to give it to you. I am rushing after this. मेरी बहन रहती है, उसके यहाँ खाना खाने जाना है. हाँ जी. थैंक यू. हेलो सर. हाँ जी, दोनों के पास माइक है. हाँ जी, आप. मैं मनीष, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. मोटिवेशनल सर, मैं जब आपका ये फिल्म रिलीज हुआ था 11 मार्च को, द कश्मीर फाइल्स, तो मैं पहला शो देखने गया था. जब वहाँ पे मैंने देखा, एक भी पोस्टर्स नहीं थे. मैं कई सारे मूवीज उस दिन रिलीज हुई थी, ढेर सारे लोग पोस्टर्स के सामने फोटो खिंचवा रहे थे. मेरा भी मन था कि यहाँ मैं ये मूवी देखने के लिए आया हूँ, कश्मीर फाइल्स, तो मैं भी इसके साथ फोटो खिंचवाऊँ डालूँ. उस दिन से लेकर के आज तक का सफ़र, आज के डेट में इतना हो चुका है कि कश्मीर फाइल्स का बैनर हर जगह दिख रहा है. फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, रोड पे चलते हुए भी देखो या किसी के मुँह से भी सुनो. तो सर, कैसा लग रहा है इतना, एक छोटी सी जर्नी से इतने हाई लेवल पे आज आप सबके सामने इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? मेरे घर वाले, मेरे दादाजी खासकर बोलते थे कि सच की हमेशा जीत होती है, और मैं उनको कभी रॉन्ग प्रूफ करना ही नहीं चाहता. एक बड़ा सा डायलॉग था मेरी एक फिल्म में कि सच्चाई वो दिया है जिसको अगर पहाड़ की चोटी पर रख दिया जाए तो बेशक रोशनी कम करता है लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है. और बहुत डिस्कस हुआ वो वीडियो. वो एक वीडियो था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज यूसुफ गांगुली को आपने दबा के फटकारा. मुझे हैरानी है, हमारा बहुत डिस्कस हुआ इसके ऊपर, ये फौलादी सीना कहाँ से आया एक सिंपल कश्मीरी पंडित के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी डिग्निटी को हिला दिया नीचे से ऊपर तक हजारों लोगों के. सर, वो झगड़ा झूठ और सच का था, और अगर कोई झूठ बोलता है तो फिर सच को तो बताना पड़ता है कि वो गलत है. उसके लिए कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी सिंपल आदमी कोई नहीं होता. फिर उसके लिए मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई होती नहीं, क्योंकि मेरी साइड पे सच है. तो इसलिए
और कॉन्सिक्वेंसेस की बात होती है, आदमी कॉन्सिक्वेंसेस से डरता है इसलिए वो नहीं कर पाता जो उसको करना होता है। मुझे लगता है कि क्या होगा, ज्यादा ज्यादा सच बोलने से मुझे काम नहीं मिलेगा जो लोग ऐसा सोचते हैं, या मुझे तो मैं तो आप लोगों के बीच में फरीदाबाद में जाकर टुकटुकी बजा के कोई नाटक शुरू कर दूंगा, 15-20 लोग आ जाएंगे, 200 रुपया तो दे ही देंगे। जब आप जमीन से जुड़े होते हैं तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक बार बताना चाहता हूँ कि आज की शाम की उपलब्धि पता क्या है, वी स्टार्टेड एज अ रेस्टलेस ऑडियंस एंड वी बिकेम मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बाय द एंड ऑफ इट, सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। यस उनको लग रहा है कि इनकी मैगजीन तो इनके एजेंडा पे था। और एक क्वेश्चन और है, बस अभी खत्म नहीं जाना, ये बस बता दो आपको लगा कैसा, ये बता। बहुत अच्छा लगा मुझे दोस्तों, बहुत मजा आया कि मैं बुक्स एंड बियॉन्ड पे आया, यहाँ पर सब कुछ अच्छा लगा, तो इसीलिए तो अच्छी अच्छी बातें कि मैंने बहुत अच्छा था। इट वॉज वेरी गुड, यू आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दैट यू डन दिस एट अ यंग एज, टू बी एबल टू डू दिस इज फिनोमिनल and you are an inspiration for a lot of young girls over here. Please, you should come to this place more often and spend time. Books ne jitni meri help ki hai na, utni kisi cheez ne nahi help ki. Thanks all upon Aranya's grandparents. Sir, grandparents have a great value in our lives. Aranya's grandparents are here on the launch of the newsletter, the third edition of Books and Beyond. Can we have a round of applause, please? Thank you so much. Thank you. I'm sorry I'm not individually meeting anybody, but I'm very happy to meet all of you. Lots of love to all of you, and Jai Hind. One more, Shivaji.